नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी व्याकरण भाग के संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आपको मालूम है, तो आप मैं पढ़ने जा रही हूँ आपको पेज नंबर 15 पार्ट 5 संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? आपने किताब में दिए रहते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, किसी जाति का नाम या मन के भावों का नाम, सभी क्या है? संज्ञा कहलाती है। समझ में आ गए? हमारे देश भारत है और भारतवासी अहिंसा में विश्वास रखते हैं, ये सभी है। तो ये तो संज्ञा क्या है आपको मालूम हो गया है ना। संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें कितने वेद हैं? तीन वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है भाववाचक है। ठीक है, तो कितने वेद हैं? तीन वेद, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये तो आपका पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले साल, है ना। फिर भी आपको एक बार याद दिलाऊंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ऐसे कितने वेद हैं? तीन वेद हैं। तो यहाँ पर देखते ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक। स्थान के नाम हो सकते हैं, व्यक्ति के नाम हो सकते हैं या वस्तु के नाम, ये सभी किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? एक समूह ऐसे जब जिसे पूरे जाति का बोध, पूरे जाति को कहने वाले जो शब्द है, कौन कौन से? लड़का, लड़की, सेना, पुस्तक आदि, है ना। नदियों के, नदी के नाम कहाँ पर आएगा? व्यक्तिवाचक, गंगा, यमुना, सरस्वती। नदी जो है जातिवाचक संज्ञा में, लड़की कहाँ पर आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। लड़की के नाम जो है लता, गीता, वो सब किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। समझ में आ गए? और उसके बाद जो है भाववाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु की मनोदशा, अपने मनो मनो की भावना जो है उसे भी किसमें आएगा? भाववाचक। उसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, आदत, व्यवहार, स्वभाव का पता चलता है, वो सभी भाववाचक संज्ञा है। समझ में आ गए? यहाँ पर बताया गया है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए जा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा थे भाववाचक संज्ञा में, कारीगर, कारीगरी हो जाएगा, नौकर, नौकरी हो जाएगा, टक टही, चोर, चोरी हो जाएगा, भाई, भ्रातृत्व, कवि, कवित्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, धानव, धानवत्व, ऐसे हो जाएगा। सर्वनाम कैसे बदलेगा? आप, आभा, मम, ममत्व हो जाएगा, निज, निजत्व हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद जो देंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा में, एक एकता, कुशल कुशलता हो जाएगा, कृपण कृपणता हो जाएगा, कठोर कठोरता हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, और क्रिया शब्द से किसमें भाववाचक? खेलना खेल, हारना हार, जीतना जीत, ऐसे भाववाचक संज्ञा में। ऐसे है किताब में, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, पूरे नहीं बता सकती हूँ मैं। और अगे से ऊपर ऊपरी हो जाएगा, ऐसे। समझ में आ गए? तो ऐसे आपको इतना ही याद रखना है। आपको संज्ञा क्या है? संज्ञा के लिए संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में कितने वेद हैं? तीन वेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूरी जाति को बताने वाले जो शब्द है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अपनी भावनाएं जो है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इतना समझ में आते हैं? तो कितने वेद हैं? तीन वेद हैं। बाकी जो है प्रश्नों के उत्तर जो है अभ्यास में उसे हम पूरा करें।